बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान अल्लाह पॉजिटिव एटीट्यूड टाइटेनियम थिंकिंग। चल गुरु, आज हम बात करेंगे आंसू स्कॉलरशिप के बारे में। 2022 और 2023 तो लास्ट टाइम था, अब 2023 और 2024 की जो है स्कॉलरशिप वो भी स्टार्ट हो गई है। इस दफा बहुत जल्दी की है उन्होंने, थोड़ी सी डेडलाइन भी उन्होंने करीब रखी है। तो आपने गूगल में टाइप करना है सीएससी गाइड ऑफिशियल और पहले ही लिंक पे कर देना है क्लिक। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे हमारी वेबसाइट सीएससी गाइड ऑफिशियल डॉट कॉम पे। यहाँ पे आपको देख रहे हैं पोस्ट, यहाँ पे मिलेगी। अगर यहाँ पे नहीं मिलती तो ये सीएससी स्कॉलरशिप एडमिशन 2023-2024 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो हम क्लिक करते हैं आंसू स्कॉलरशिप के बारे में। आंसू स्कॉलरशिप जो है ये वन ऑफ द बिगेस्ट नेटवर्क आप कह लें, या बिगेस्ट जो है स्कॉलरशिप नेटवर्क कह लें, तो ये उनमें ही शामिल होती है चाइना की। बेहतरीन स्कॉलरशिप है ये सीएससी के बाद। ठीक हो गया, तो इसमें यह है कि ये सारा आप पढ़ लीजिएगा। इसमें ये सारे इसका अलायंस ऑफ इंटरनेशनल साइंस ऑर्गेनाइजेशन आंसू, इससे पहले कास्ट वास इसे इसका इस तरह कोई नेम दिया जाता था, अब उसके बाद इसको आंसू स्कॉलरशिप में चेंज कर दिया गया पिछले 2 साल से। अब आप सोच रहे होंगे कि हम सीएससी पे तो एक में अप्लाई कर सकते हैं, इस साल फिलहाल की जो उनकी पॉलिसी है, तो क्या हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए आप अलग से अप्लाई कर सकते हैं, इसका सीएससी के साथ कोई लेना देना नहीं है। अगर आप सीएससी पे एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो ये जो इसमें जब आंसू स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो उसका सीएससी के साथ कोई लिंक नहीं है, इसकी अलग से आपकी एक एप्लीकेशन काउंट होगी। ठीक है, इसमें जो दो इंस्टीट्यूट है, एक है यूएसटीसी और एक है यूकैल। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चाइना और यूकैल यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज। ठीक हो गया, तो मास्टर और पीएचडी वालों के लिए है, फुली फंडेड है। मास्टर वालों के लिए 3000 आरएमई स्टाइपेंड होता है और जो पीएचडी वाले होते हैं उनके लिए तकरीबन 6000 से 7000 आरएमई तक स्टाइपेंड होता है। ठीक हो गया, और इसमें ऑनलाइन अप्लाई होती है, कोई जो है इसमें कोई डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करना होता, कोई एप्लीकेशन फी नहीं होती। लास्ट टाइम 15 मार्च इनकी डेडलाइन थी, लेकिन इस मरतबा उन्होंने क्या किया है, 15 फेब 2023, मतलब 15 फेब 2023 उन्होंने लास्ट डेट रख दिया है, महीना ऑलमोस्ट कम कर दिया है उन्होंने। ठीक हो गया, सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट मास्टर के लिए 35 साल और पीएचडी वालों के लिए 40 साल होती है ऑलमोस्ट, ये आप सारी पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है वो आंसू इसके लिए किसी किस्म की आइट्स की जरूरत नहीं है। काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसमें हुए हैं, आंसू स्कॉलरशिप लगी है, उनको खुद को भी यकीन नहीं था कि आंसू स्कॉलरशिप लगेगी, लेकिन बस उन्होंने अप्लाई किया था, फॉलो किया था प्रोसीजर, उनकी स्कॉलरशिप लग गई। ठीक हो गया, कैसे अप्लाई करना है अब आपने, अब आप इनमें से एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, एक यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं आंसू स्कॉलरशिप में। या तो आप यूएसटीसी पे करेंगे या आप यूकैस पे करेंगे, दोनों पे आप एट द सेम टाइम नहीं कर सकते। अगर दोनों पे करेंगे आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। ठीक है, इसमें अब आपने इस पे यूकास जो है इस पे कैसे अप्लाई करना है और यूएसटीसी पे कैसे अप्लाई करना है, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें प्रॉपर बताऊंगा एक एक यूएसटीसी में इसका क्या प्रोसीजर। सारा यही है, प्रोसीजर यही है कि आपने फॉर्म फिल करना होता है यूएसटीसी का और यूकेएस का, और उसमें डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो आपने अपलोड करने होते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना होता। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा यूएसटीसी पे आपने कैसे फॉर्म फिल करना है और क्या क्या मेजर्स उनके होते हैं और उसमें और बाकी जो है यूकेएस में कैसे आपने पोर्टल फॉर्म फिल करना है ये वो। अब इसमें आंसू स्कॉलरशिप जो है इसमें यूएसटीसी का और यूकेएस का, इनमें से आप या यूकेएस में अप्लाई कर सकते हैं या यूएसटीसी पे अप्लाई कर सकते हैं। अब मजे की बात यह है कि यूएसटीसी में भी अपनी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होती है और यूकेएस भी अपनी यूएसटी स्कॉलरशिप होती है। ठीक है, अगर आप यूकेएस में आंसू स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं तो यूएसटीसी की एक फेलोशिप स्कॉलरशिप होती है, ए कैटेगरी की, ए कैटेगरी भी उसमें होती है, तो उस पे आप अप्लाई कर सकते हैं, वो भी फुली फंडेड होती है, सीएससी के इक्वल होती है। ठीक है, या अगर आप यूएसटीसी पे सीएससी पे अप्लाई करते हैं, सीएससी भी होती है इन दोनों की, अगर या आप यूएसटीसी पे सीएससी या सीएससी को छोड़ देते हैं आंसू स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं या आंसू स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं तो यूकेएस की भी एक फेलोशिप स्कॉलरशिप होती है यूएसटी स्कॉलरशिप, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह दो दो स्कॉलरशिप पे आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आंसू स्कॉलरशिप में या तो आप यूएसटीसी पे अप्लाई करेंगे या यूकेएस पे। मैं इंशाल्लाह यके बाद देख रहे इसके बाद यूएसटीसी की सीएससी स्कॉलरशिप भी कवर करूंगा, कैसे अप्लाई करना है अगर आप करना चाहें, और जो इसकी यूएसटी स्कॉलरशिप होती है उसमें भी कवर करूंगा, और यूकेएस की भी फेलोशिप स्कॉलरशिप, यूएसटी स्कॉलरशिप और सीएससी स्कॉलरशिप कवर करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, यही चीज होती है, ये मेन चीज है जो मैंने आपको बता दिया। अब यहां पे क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे यूकेएस के पोर्टल पे और यहां पे यूएसटीसी के पोर्टल पे। अब यूएसटीसी और यूकेएस के पोर्टल को कैसे फिल करना है और क्या करना है वो आप मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आप एक्सेप्टेंस लेटर के लिए मेल करें, अभी आपके पास 2-3 महीने, 3 महीने है ऑलमोस्ट, 3.5 महीने ऐसे समझे, तो अभी 15-20 दिन जो है आप एक्सेप्टेंस लेटर के लिए तैयारी इसमें अप्लाई करें और उसको मेल्स वगैरह करें प्रोफेसर को, तो उसके बाद जो है अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं।
आपने पहले तो इनमें से जब जिसमें भी आपने यूकेएस में अप्लाई करना हो, आंसू स्कॉलरशिप में अप्लाई करना हो सॉरी, तो उसमें या फिर यूकेएस का पोर्टल या यूएसटीसी का पोर्टल, इस पर आप फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। सीवी आपके पास होनी चाहिए, आपके पास विद इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस अगर आपका कोई है वो भी आप मेंशन कर देगा, नहीं है कोई इशू नहीं है, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री होनी चाहिए, उसके बाद बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट ऑफ ऑफिशियल प्री ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट शोइंग दैट स्टूडेंट आज जो आप पढ़ रहे हैं उनको होप सर्टिफिकेट, पीएचडी के लिए जो है बैचलर डिग्री आपने शो करानी है और मास्टर डिग्री, ओके हो गया दोनों। ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए, रिकमेंडेशन लेटर, कॉपी ऑफ योर रेगुलर पासपोर्ट होने चाहिए, वैलिडिटी ऑलमोस्ट 2 साल की होनी चाहिए, 1-2 साल से कम भी हो साल तक हो कोई इशू नहीं है, 1.5 साल कोई इशू नहीं। फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, एक्सेप्टेंस लेटर, ठीक है, ऑप्शनल है, पहले तो ये कंपलसरी हुआ करता था लेकिन ऑप्शनल है इस मरतबा। फोटो कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स पेजेस एब्स्ट्रैक्ट ऑफ मैक्सिमम 5 एप्लीकेशन, ये अगर कोई है तो, अगर है तो ठीक है, नहीं तो इसको छोड़ दें, ठीक है। तो यहाँ पे आप एप्लीकेशन जो है उनका एक्सेप्टेंस लेटर फॉर्मेट डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं, रिजल्ट आप देखना चाहें तो ये भी आप देख सकते हैं लास्ट टाइम जो रिजल्ट हुए थे, ठीक है। इसके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में आना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे आ सकते हैं, ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जो है ये सारी चीज़ें आप डिटेल में यहाँ पे देख सकते हैं, ओके हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखा देता हूँ, मैं कहता हूँ जी यूएसटीसी पे आप क्लिक करते हैं, मैं इसको डिटेल में इंशाल्लाह बाद में वन बाय वन इसलिए वीडियो बनाऊंगा क्योंकि अगर इसमें मैं पोर्टल फिल करने बता दूँ तो यूकास का पोर्टल और यूएसटीसी का पोर्टल बहुत लंबे पोर्टल है, बहुत लेंथी पोर्टल है, तो उसको बताते बताते 1 घंटे 2 घंटे निकल जाने हैं, फायदा कोई नहीं है, ओके हो गया। फिलहाल आपको ओवरव्यू आपके माइंड में हो जाना चाहिए और ये सारी कुछ चीज़ें कि हाँ भाई इसके लिए आपने मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो जाने चाहिए, अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर जैसे मिलेंगे तो वो आप जो है अप्लाई कर दीजिएगा, तब मैं इंशाल्लाह तब तक वीडियो भी आ जाएगी, लास्ट टाइम वाली वीडियो देखना चाहें वो भी ऐसे ही होगी सेम। ये सारी चीज़ें वही है जो मैंने आपको बता दी है कि क्या सीन है क्या नहीं है वो, और इसमें एप्लीकेशन प्रोसीजर सारा कुछ ये वही है। अब यहाँ पे मेजर्स वगैरह हैं, सुपरवाइजर वाइजर वगैरह हैं, कॉलेज इंस्टीट्यूट वगैरह ये वो, ये इंस्टीट्यूट हैं, इसमें इंस्टीट्यूट होते हैं मीन्स के कौन कौन से जो है इनके इंस्टीट्यूट आप जो स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे होते हैं, तो ये आप यहाँ से अपना मेजर भी सर्च कर सकते हैं, मास्टर मेजर यहाँ सर्च करना चाहें या वैसे सर्च करना चाहें ये आपके सारे सामने शो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए इतने मेजर आ गए इसमें, केमिस्ट्री बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी और बहुत बड़ा जो है इंस्टीट्यूट है और इसमें काफ़ी सारे तकरीबन हर साल 200-300 बंदे जो ये सिलेक्ट करते हैं, यूकेएस वाले, यूएसटीसी वाले थोड़े से कम करते हैं, 100-150 करते हैं या, लेकिन यूकेएस जो है ना ये बहुत बंदे सिलेक्ट करता है। अगर आपको कोई कह दे कि इसमें पेपर पब्लिश होने चाहिए 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 तब भी होता है, भाई नहीं कोई मसला नहीं है, अब आप अप्लाई करें, इन उन लोगों को छोड़ देंगे जो कहते हैं कि पेपर होने चाहिए ये वो। असल में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका एडमिशन खुद का हो जाता है ना, वो उसकी कोशिश ये होती है जिसको वो जानता है या उसकी कोशिश मतलब वो किसी तरह ये साबित करना चाहता है कि मेरा एडमिशन हुआ है किसी और का ना हो, तो आपने उनको नहीं देखना एडमिशन। मैं ऐसे ऐसे लड़कों को जानता हूँ जिनको खुद भी यकीन नहीं था, उनको पता भी नहीं था कि एडमिशन होगा या नहीं होगा, लेकिन उनका एडमिशन हो गया है, सिर्फ उन्होंने अप्लाई किया था, प्रोसीजर फॉलो किया था सही सही, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनका नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया, उन्होंने एफर्ट की थी, उनके किस्मत में लिखा था, उन्होंने हार्डवर्क की थी तो उनका एडमिशन हो गया, तो आपका भी हो सकता है इसको छोड़ दे के इस पेपर आपके पास होने चाहिए ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन आप एक्सेप्टेंस लेटर के लिए जो आपने जो है तैयारी करें। और यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल किसी एक इंस्टीट्यूट को ओपन भी कर लेता हूँ, केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री की बहुत बड़ी जनता होती है। अब यहाँ पे इतने जो हैं आ गए हैं इंस्टीट्यूट ये, ठीक है। और इसमें अगर सुपरवाइजर पे क्लिक कर दें, सुपरवाइजर पे आप अगर आप क्लिक करना चाहें तो यहाँ पे जो है यहाँ नेम बाय नेम कैसे सर्च करें, मैं चले ए पे क्लिक कर देता हूँ, ए के जितने सुपरवाइजर होंगे ये सारे आ जाएंगे। अब इसमें जो है वन बाई वन जो है डिपार्टमेंट वाइज होंगे या जो भी होगा, तो ये इसमें मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी कि आप कैसे सुपरवाइजर फाइंड कर सकते हैं, ओके हो गया, तो वो आप कर लीजिएगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। या कॉलेज या इंस्टीट्यूट पे क्लिक करते हैं, ठीक है, इसमें मैं कर देता हूँ इंस्टीट्यूट पे क्लिक करते हैं या मेजर्स पे, ठीक है, मेजर पे क्लिक करने के बाद मैं करता हूँ जी पीएडी प्रोग्राम पे क्लिक कर देते हैं, चले पीएडी वाली जनता बहुत ज़्यादा है, मैं कर देता हूँ सिविल इंजीनियरिंग पे क्लिक कर देता हूँ। सिविल इंजीनियरिंग में जब क्लिक करूँगा तो ये 3 इंस्टीट्यूट हैं, इसमें मैं किसी और एक पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे ये डिपार्टमेंट ओपन हो गया, ये वो वाला, ठीक है। फैकल्टी एंड स्टाफ पे आता हूँ या फैकल्टी एंड स्टाफ, टीचिंग स्टाफ ये वो सारा कुछ जो है आपने इस पे करना है, ठीक है। इस पे मैं किसी एक प्रोफेसर पे, ये इतने प्रोफेसर हैं जो इस डिपार्टमेंट में हैं, ठीक है,
तो यहाँ पे ईमेल होगी कहीं ना कहीं, ये ईमेल है, इस ईमेल कॉपी करें, रिसर्च हिसाब से उसकी रिसर्च डायरेक्शन कॉपी करके अपनी सीवी में डालें और इस तरह आप करते रहें, ठीक है। ये काफ़ी इंस्टीट्यूट है, इसमें काफ़ी सारे, नॉर्थ वेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इको एनवायरमेंट एंड रिसोर्सेज, चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट है। मीनस के एक यूके एक यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंस एक इदारा है, उसमें इस उसके अंदर काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट होंगे, कोई बीजिंग में होगा, कोई लैंगजो, कोई इस तरह मुख्तलिफ जो है वो इस तरह होंगे, तो वो आपने वो बाद का इशू है। इसके अलावा अगर आपको एक्सेप्टेंस मिल जाता है, फिर मैं आपको ये दिखाऊंगा आपको पोर्टल पे जाके कि आया कि जिस प्रोफेसर से आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिला है वो प्रोफेसर एक्सेप्टेंस लेटर वो ऑनलाइन पोर्टल पे उसका नेम है भी या नहीं, होते हैं काफ़ी सारे, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही आपके माइंड में होना जाना चाहिए कि स्कॉलरशिप स्टार्ट हो गई है, आप मेंटली तौर पर प्रिपेयर रहें, एक्सेप्टेंस लेटर हासिल करें अगर आपने नहीं किया, अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया है, डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पूरे हैं, तो भाई अप्लाई ठोक दें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो भी याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।